हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, टॉपिक का नाम है एसएससी जेई 2023। बहुत सारी क्वेरी आ रही है बच्चों की कि कैसे प्रिपरेशन करें। अब स्टार्ट हो चुका है, डीडीजे का एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है। अब हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो जब भी हम एसएससी जेई की तैयारी की बात चलती है दिमाग में, तो बच्चों की वो क्वेरी मेरे याद आती है कि सर हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं बच्चों के। तो वो डाउट्स ये थे कि सर ये बताइए कि हम सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, कौन सी बुक से पढ़ूं, कहाँ से बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है आप मेरे एग्ज़ाम के लिए। सब कुछ पढ़ रखा है तब भी नंबर नहीं आते, या फिर जहाँ से मैंने एक्स वाई जेड से कोई कुछ भी कोर्स ले रखा है फिर भी मेरा अपने कोर्स को कम्प्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, या पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा अभी अभी कोई फील ही नहीं आ रही है पेपर कब होगा कब नहीं होगा, अक्टूबर में एग्ज़ाम है वैसे कैसे पढ़ाई करूँ। तो उन सब के डाउट्स का एक ही सॉल्यूशन है कि भाई अपना ना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी तुम्हें। ये आपके लिए अभी हार्ड पड़ेगा लेकिन यही फैक्ट है, यदि आपको नंबर अच्छे लाने हैं 140-150 आपको लाने हैं प्री एग्ज़ाम में, तो प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी। यदि आप कट ऑफ की बात करेंगे तो आप उसको लास्ट मोमेंट भी कर सकते हैं, यदि आप इतने पढ़ने में इतने अच्छे हैं तो एक महीने पहले स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन यदि आपको टॉप करना है या हमेशा अनसर्टेनिटी से बाहर निकलना है तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि जब मैं कॉलेज के टाइम में था तो बच्चे मुझसे बोलते थे, मेरे साथ के जो स्टूडेंट थे, कि भाई मुझे थोड़ा समझा दे। तो वही होता है कि लाइफ में कोई मिल जाए तो मैं ऐसा कि एक बार समझा दे उसको कि जो चीज़ आपको बहुत हार्ड लग रही है, अपने आप करने में 4 से 5 दिन लग रहे हैं, वो आपको 1 घंटे के अंदर समय में आ जाए तो आपका जो टाइम है वो बच जाता है। तो आज के टाइम में ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप उसको अच्छे से यूज़ करो, कि जहाँ से आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं आप उसको ढंग से पढ़ाई करो, उसको चीज़ों को समझो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, एग्ज़ाम में मेरे क्वेश्चन यहाँ से बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन एक राइट ट्रैक पे जा रही है, ठीक है। तो उसी के लिए आप काम करिए। अब बात आती है कि सर ये सब जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं उनका सोल्यूशन तो बता दो कैसे करना है। सोल्यूशन का ये कि पहली बात तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना पढ़े तो नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। कोई आपके पास जड़ी बूटी नहीं है बाबा नूरुद्दीन की कि भाई आपके पास आएगी और आपका यहाँ पे इलाज जाएगा, तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि एक राइट ट्रैक में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी आपको 2-3 साल 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर बार बच्चे क्वेरी ये आती है कि सर एक बार ऐसा पढ़ा दो कि बार बार हमें ना भटकना ना पड़े, या बार बार हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हम बार बार कोर्स को परचेज कर रहे हैं कंप्लीट नहीं हो रहा हमसे, फिर हम नए नए भटक रहे हैं कि अब क्या ही कर सकें नया। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज आपकी वीडियो बनाई है कि आपके लिए काम किया जाए ऐसा कुछ। मैं कई दिन से इस पर काम कर रहा था पहले से ही, कंटेंट पे काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया है कि भाई आपको एक ऐसा कंटेंट मिल जाए एक बार में कि आपको बार बार ना उसको पढ़ना पड़े, या फिर बार बार आपको पहले यहाँ से पढ़ लिया फिर वहाँ से पढ़ लिया फिर वहाँ से पढ़ लिया ऐसा ना करना पड़े, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो। जब तक आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे आप रिवीजन कैसे करेंगे, आपके पास रिवीजन के लिए नोट्स ही नहीं है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्लासेस को स्टार्ट किया। मैंने बच्चों से पूछा टेलीग्राम पे, अवनीश शर्मा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, कि भाई कैसे कैसे क्लास चलनी है। तो बच्चों की सबसे बड़ी क्वेरी मेरे पे उल्टी आ गई है कि भाई सर आप कुछ भी स्टार्ट कर दीजिए, आप पीवाई के क्वेश्चन करवाने हैं ऑल स्टेट के AEJEE के करवा दीजिए हम कर लेंगे, लेकिन जो भी आप स्टार्ट करो ना उसको पूरा करना। और ये सच भी है कि पूरा नहीं हो पाती हैं चीज़ें आपकी, अभी तक नहीं हो पाई हैं, लेकिन मैंने भी ठान ली है कि यदि आपने मुझे कोई टास्क दिया है पूरा करने का तो हम उसको पूरा करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नंबर नहीं आने वाला, ये भी सच है, लेकिन थोड़ा सा भी विराम देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को, पहले अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। वरना क्या हुआ कि क्वेश्चन तो मैं आपको एक अच्छे से अच्छे लेवल के करवा दूंगा, आपको पता है कि क्या क्या लेवल आता है यहाँ पे क्वेश्चन जो हम करते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन यदि आपको उसके पीछे के कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहे तो भाई कैसे हम उसको काम कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, और सर आप ही सिखा दो ना, जब आप क्वेश्चन बना के लाते हो तो आप कॉन्सेप्ट भी सिखा दो, यदि आपने कॉन्सेप्ट सिखा दिया तो क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। तो उस पर हमने काम किया है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आपको ऑल स्टेट AEJEE के जो पेपर होते हैं, चाहे PPSC हो चाहे GPSC हो चाहे आपका NWDA हो, इन सब का पूरा सेट करवा दूँ एक एक एक, लेकिन अभी भी लगता है कि इट इज़ नॉट राइट टाइम कि मैं पहले वो करवाऊँ। उससे अच्छा ये है कि मैं आपको एक बार पहले यूट्यूब पर पढ़ा देता हूँ सारी थ्योरी। बच्चे बोलते हैं ना कि सर आप थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, लो भाई मैंने इस बार थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, आपके कहने पर मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब पे कि भाई आपकी थ्योरी क्या हो, वो थ्योरी मैं स्टार्ट करूँगा।
सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम आता है तो मैंने सोचा कि मैं क्या पढ़ाऊँ। अभी क्या है कि आपकी आपके अंदर क्लास चल रही है, SSJEE Pre का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, उसमें सोयल चल रही है। तो सोयल तो अभी स्टार्ट नहीं कर सकते यूट्यूब पे एकदम से, क्योंकि वहाँ भी चल रही है यहाँ भी चल रही है, तो बच्चे एकदम से सब चीज़ कवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ करते हैं कि जो बच्चे ऐप में पढ़ रहे हैं उनको भी फायदा हो जाए और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उनको भी फायदा हो जाए। कैसे? एक सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है, सब्जेक्ट वहाँ भी चल जाएगा, कुछ अलग चलेगा तो चीज़ें आपकी ज़्यादा ग्रैब रहेंगी, ज़्यादा याद रहेंगी और सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो क्या है, और यदि आप बाद में ऐप में पढ़ेंगे भी उस क्लास को तो आपकी रिविजन क्लास हो जाएगी। तो ऐप के अंदर आपकी सोयल मैकेनिक्स चल रही है। यूट्यूब पे हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। ये सब्जेक्ट आपको लगा सर ये क्यों उठा लिया आपने, FM उठाते हैं, SOM उठाते हैं। इसको उठाने का पहला कंसर्न ये है कि एक तो ये छोटा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा ये आपका रटने वाला सब्जेक्ट है। यदि आपने इसको अभी से रटना स्टार्ट किया तो एग्जाम तक आपने इसको कई बार रिवाइज कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हम एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे इसको, फिर रटी जाती नहीं है चीज़ें, क्योंकि क्या होता है आपके SSC के एग्जाम में फैक्ट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं और वो आपके याद नहीं रह पाती, उससे आप फिर दिक्कत हो जाती है आपको। तो उससे अच्छा ये है कि भाई अभी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम BMC करेंगे। BMC जब हम करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे करेंगे। वो ये इस वाले पैटर्न में करेंगे। यूट्यूब पे आपकी थ्योरी क्लास भी होगी जैसी आपकी ऐप के अंदर होती है जो हम पढ़ाते हैं, उसमें हम BMC स्टार्ट करेंगे कल से। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हम सीमेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सीमेंट में जो क्या है कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा 1 घंटा, फिर मैं आपको एक QPS दूंगा। QPS का क्या फंडा है, QPS बहुत ज़रूरी है। आप कितनी थ्योरी पढ़ लो, अपने आप पढ़ लो, XYZ कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे या क्वेश्चंस लगा के नहीं देखेंगे कि मैं कहाँ पे रुक रहा हूँ, मैं कैसे हैंडल कर पा रहा हूँ, तब तक आपका एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ही क्या है, क्वेश्चंस है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न ही आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आपको उसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब भी हम थ्योरी पढ़ेंगे साथ में हम एक QPS सेट में आपको दूंगा, मैं उसका सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको सेट दूंगा कि आप इसे करके लाओ। मान लो मैंने सीमेंट पढ़ाया, सीमेंट का मैंने आपको सेट दे दिया, मैंने आपको कॉन्क्रीट पढ़ाया, कॉन्क्रीट का मैंने आपको सेट दे दिया, ऐसे करके आपको पूरे सब्जेक्ट के सेट मिल जाएंगे। डिफरेंट टाइप के जो सेट्स हैं वो मिल गए एक बार आपको, अब आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए या इनमें कोई क्वेरी होगी वो आपको चाहिए। तो एवरी सैटरडे को हम क्या करेंगे, इनका एक मैराथन क्लास ले लेंगे कि जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दिए उसमें सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा। तो उससे क्या हो गया, थ्योरी भी कवर हो गई और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपके पास हो गए। इन क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल अवनीश शर्मा पे मिल जाएगी और आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। मेरा देखो क्या है, मेरा सिंपल फंडा यहाँ पे ये है कि मैं सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूँ। ये जो आपका चैनल बना है एग्जाम, ये सिर्फ आपके कहने पे बना था, आपने इसको सपोर्ट किया, ये आगे बढ़ा। यहाँ कोई गुमराह करने वाली बात ही नहीं है कि मैं आपको कोई गुमराह कर रहा हूँ या फिर मैंने आपके कोई पैसे खा लिए हैं इस चीज़ को लेके, ये सब चीज़ें नहीं करने आया हूँ मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ और आपने मुझे सपोर्ट किया और मुझे लगा कि ज़रूरत है बच्चों को, नहीं मिल पा रहा कॉन्टेंट जो एग्ज़ाम में आता है, पता नहीं कुछ और ही मिल रहा है जो आता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है आजकल लाइफ में, तो उन सबको दूर करने के लिए मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आपने कोई कोर्स भी परचेज नहीं करा, सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब से पढ़ाई करी, तब भी आप नंबर अच्छा लेके आएंगे, ठीक है। बस क्या होता है कि बच्चे क्यों पढ़ते हैं ऐप के अंदर, क्योंकि तो क्या होता है उनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है जैसे वो कोर्स परचेज करते हैं, उनको लगता है उनको पैसा दिया है तो सिर्फ पढ़ने आते हैं वहाँ पर। यूट्यूब पर क्या है कि आप 1 घंटा पढ़ लो, अगले दिन नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं अभी बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट करूंगा, पहले बच्चे आएंगे, दूसरे दिन आएंगे, तीसरे दिन आएंगे, 4 दिन बच्चे आते आते आपके पास बंद हो जाते हैं। तो जो क्लास बंद होती है उसका मेन कारण ये भी होता है, पर मैंने अपने आपको समझा लिया है ऐसा कि मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे उन बच्चों के लिए पढ़ाना है जो बच्चे रोज आ रहे हैं। मुझे बिल्डिंग मटेरियल पूरा करना है तो यूट्यूब पे पूरा करना है, तो सबसे पहले हमारा ये टारगेट है कि हम इसको कंप्लीट करते हैं और सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते हैं कि आप चाहे प्रीवियस से ले लो, चाहे ए ले लो, चाहे जेई ले लो, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लग जाने हैं, या जहाँ भी आप कोई भी बुक उठाओ सारे क्वेश्चन आपके लग जाए। मैं आपको ऐसा पढ़ा दूँ एक बार, उसके बाद आपको जो करना है वो आप कर लेना, ठीक है। तो एक बार अपने भाई को ये वाला दे दो टाइम अपना। अब जो टाइम की मैं बात करूँगा कि क्लासेस कब से होगी, तो जैसे आपके अंदर जो क्लास है वो तो सुबह चल रही है, सुबह 10 बजे से। आपकी जो यूट्यूब पे क्लास है, आप सब अपने ऑफिस से आ जाना, जो ऑफिस जाते हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं वहाँ से आ जाना, रात को 8 बजे, 8 PM में हम रोज मिलेंगे, ठीक है। 8 PM हम रोज मिलेंगे क्लास में और आपकी 1.5 घंटे से 2 घंटे क्लास रहा करेगी, उसमें हम सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल करेंगे।
और मैं बहुत ज़्यादा सिलेबस को खींचूंगा नहीं कि मैं रोज एक ही चीज़ पढ़ाए जा रहा हूँ 6-7 दिन तक, 7-7 दिन तक, 8-8 दिन तक। जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना ही पढ़ाया जाएगा, बीच में कोई भी बकैती नहीं होगी, सीधा क्लास होगी और क्लास के साथ में उसको कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा हम काम करेंगे। और सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल अवनीश शर्मा पर मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लेना, QP1, QP2, QP3 के नाम से और टॉपिक के नाम से आपको सारी मिल जाएगी। आप सब तैयार हैं? कैसा लगा आपको ये वाला सिस्टम? और एक बार मुझे मौका दे लो आप, आपने कई बार मुझे बोल दिया कि नहीं स्टार्ट हो पाती, लेकिन आपको पता है कि आपको फ़ायदा होता है भाई। जैसे मैं कई बार पूछूं आपसे कि यदि आप मुझसे कोई शिकायत कर रहे हैं या मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, तो उसका मेन कारण ये होता है, या तो मैं दो चीज़ समझूं, नेगेटिव वे में ले लूं, या मैं उसको पॉजिटिव वे में लूं कि बच्चे चाहते हैं कि सर आप पढ़ाओ क्योंकि आप अच्छा पढ़ाते हो, बस आप अपनी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखो, आप रोज़ क्लास लेने आओ, ठीक है, पढ़ाई कराओ क्योंकि हमें आपसे पढ़ना है। तो वो चीज़ें होती है, मैंने उसको पॉजिटिव में लिया कि हाँ बच्चे चाह तो रहे हैं मुझसे पढ़ना, लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है अभी टाइम टाइम से क्लास, अब वो मिलेगी। अब आपका भाई रोज़ आएगा रात को 8 बजे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास हुआ करेगी, और सैटरडे को QPS होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, जो आपके यूट्यूब पे होगा, जो हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा। मैं चाहता तो आपको रोज़ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने थोड़ी पढ़ी क्वेश्चन लगाए, आपको तो थोड़ी अभी अभी पढ़ी है, तो आपके तो माइंड सेट में अभी आगे क्वेश्चन उसका आंसर ये होगा, लेकिन आप भूल जाओगे बाद में। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब आप भूलने वाले होंगे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो आपकी दोबारा से रिवाइज जाएगी, और फिर मैं टाइम टू टाइम उसको दोबारा से रिवाइज करवाता रहूँगा बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप के एग्जाम के पेपर के साथ में, तो पूरी तैयारी रहेगी। बस आपको इस चैनल को अपने साथ में रखना है, जब भी आपको टाइम मिले क्लास देख लेनी है, मैं नहीं कह रहा कि लाइव ही आना है आपको, आप जो को जब भी टाइम मिलता है क्लास देखनी है, पढ़ना है, और आपको कंटेंट मिलेगा। कंटेंट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारा मैं हाथ से भी लिखूंगा, चीज़ें इससे आसान हो जाए और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए, ये हम काम करेंगे। ठीक है, तो बताना आप सभी को कैसा लगा ये वाला जो हमारा तरीका है पढ़ाने का, और इस पर हम काम करेंगे। कल से आपकी क्लास स्टार्ट है, कल को आपको 8 बजे आना है। क्या आप सब रेडी हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखेंगे, और बिल्डिंग मटेरियल के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो भी आपको बता रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर हम मिलते हैं कल रात को 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।